दोस्तों आज मैं बैटरी कंपैरिजन करने वाला हूं OnePlus 12R का वर्सेस दी OnePlus 11R, ये देखने के लिए कि क्या 500 mAh बैटरी बढ़ाने के बाद क्या हमें एक्स्ट्रा बैटरी परफॉर्मेंस OnePlus 12R में देखने को मिलती है या नहीं मिलती है इन कंपैरिजन विद OnePlus 11R। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो प्लीज इस वीडियो को जमकर लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सिंपली ये चेक करने वाला हूं कि OnePlus 11R में हमें कितना बैटरी बैकअप मिलता है इन कंपैरिजन विद OnePlus 12R। बिकॉज दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं इस साल OnePlus 12R में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं रिलेटेड टू बैटरी, जैसे कि हमें LTPO डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी OnePlus ने बहुत सारे ट्विक्स किए हैं। तो क्या इन सब के बावजूद दोस्तों हमें OnePlus 11R से बेहतर बैटरी बैकअप OnePlus 12R में देखने को मिलती है, और हमें अभी 2024 में OnePlus 11R में कितना बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कॉन्टेक्स्ट समझा दूं कि मैंने OnePlus 11R को किन सेटिंग्स में यूज किया है और मैंने OnePlus 12R को किन सेटिंग्स में यूज किया था। तो अगर मैं OnePlus 11R की बात करूं तो बिकॉज दोस्तों मेरा OnePlus 11R लगभग 8 महीने पुराना है और जो बैटरी हेल्थ है वो इस फोन की ऑलमोस्ट 97% हो गई है, इसलिए दोस्तों इस फोन को OnePlus 11R को फेयर मौका देने के लिए मैंने कुछ सेटिंग्स दोस्तों डाउनग्रेड की थी OnePlus 11R में। जैसे कि दोस्तों डिस्प्ले में मैंने 120Hz पे नहीं, मैंने 60Hz पे यूज किया था इस फोन को। और अगर दोस्तों मोबाइल डेटा की बात करें तो मैंने 100% ऑफ द टाइम दोस्तों OnePlus 11R को वाईफाई पे यूज किया, और मैंने दोस्तों ये इसलिए किया ताकि OnePlus 11R को एक फेयर चांस मिल सके इन कंपैरिजन विद OnePlus 12R। और अगर दोस्तों OnePlus 12R की बात करें, बिकॉज दोस्तों ये फोन नया है तो मैंने इस फोन को 85% ऑफ द टाइम मोबाइल डेटा पर यूज किया था और बाकी के 15% ऑफ द टाइम मैंने वाईफाई पे यूज किया। और इसके डिस्प्ले की सेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों मैंने 120Hz पे इस फोन को यूज किया था और जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन थी दोस्तों वो पूरे हाई सेटिंग पर थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों की टेस्ट के रिजल्ट क्या है, हमें OnePlus 12R में कितनी बैटरी बैकअप देखने को मिलती है और हमें OnePlus 11R में कितनी बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। तो बिकॉज दोस्तों मैंने OnePlus 12R का बैटरी रिव्यू थोड़े दिनों पहले ही किया था तो मैंने फिर से इसका बैटरी रिव्यू नहीं किया, तो मैं दोस्तों आप सभी को पिछले वीडियो के रिजल्ट बता देता हूं कि OnePlus 12R में हमें कितने घंटे का SOT और कितने घंटे का स्टैंडबाय देखने को मिला था। तो मैंने OnePlus 12R को दोस्तों 100% से लेकर 7% तक यूज किया था और इतने टाइम में दोस्तों मुझे लगभग 1 दिन 6 घंटे और 30 मिनट का स्टैंडबाय देखने को मिला था। और अगर दोस्तों स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो हमें 8 घंटे और 39 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था ऑन 85% 5G एंड 15% वाईफाई डेटा। तो अगर दोस्तों हम OnePlus 11R की बात करें तो OnePlus 11R को दोस्तों मैंने 100% से 7% तक यूज किया था और मैंने दोस्तों 100% वाईफाई डेटा पर यूज किया था और हमें दोस्तों लगभग 1 दिन और 3 घंटे का स्टैंडबाय टाइम OnePlus 11R में मिला था, और जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला था दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे और 32 मिनट का देखने को मिला था। तो जैसा कि आपने टेस्ट के रिजल्ट देखे दोस्तों हमें 50% ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम OnePlus 12R में देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है और क्या फ्यूचर में भी हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सबसे पहला ऑब्वियस रीजन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें 500 mAh की एक्स्ट्रा बैटरी देखने को मिलती है OnePlus 12R में, इसलिए हमें 50% एक्स्ट्रा SOT देखने को मिला। तो ये बात दोस्तों कुछ हद तक सही है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें पहले 5000 mAh बैटरी था, हमें 10% का इंक्रीज मिला तो बैटरी हमें 55 mAh की मिल गई, लेकिन दोस्तों 10% इंक्रीज मिलने का ये मतलब नहीं हमें 50% इंक्रीज SOT में देखने को मिलेगी। तो सेकंड नंबर रीजन दोस्तों ज्यादा SOT मिलने का है वो है OnePlus 12R का डिस्प्ले। जैसा कि मैंने दोस्तों अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा था OnePlus 12R में हमें LTPO डिस्प्ले मिलती है और LTPO डिस्प्ले होने के वजह से दोस्तों बैटरी में हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है, जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर तीसरे रीजन की बात करें तो दोस्तों वो है OnePlus 12R का सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की बात करें OnePlus 12R का जो सॉफ्टवेयर है जो ऑक्सीजन OS 14 है वो वेल ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू OnePlus 11R का ऑक्सीजन OS, क्योंकि दोस्तों OnePlus 11R में कोई भी अपडेट आता है इसकी बैटरी या तो गिर जाती है या फिर हमें OnePlus 11R में लैग देखने को मिलती है, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus 12R का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो OnePlus ने बहुत अच्छी तरीके से की है, और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि फ्यूचर में भी इसी तरह ऑप्टिमाइज तरीके से OnePlus सॉफ्टवेयर अपडेट OnePlus 12R में भेजता रहेगा ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी बैटरी से रिलेटेड इश्यू देखने को न मिले। तो अगर दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो डेफिनेटली OnePlus ने बैटरी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। OnePlus 11R में हमें जो बैटरी बैकअप मिलता था उसके कंपैरिजन में दोस्तों OnePlus 12R में हमें कई गुना अच्छी बैटरी देखने को मिल रही है। और इसके पहले भी दोस्तों मैंने OnePlus 11R का एक बैटरी कंपैरिजन करा था, उस कंपैरिजन में आप देखेंगे दोस्तों उस वीडियो में आप देखेंगे कि हमें OnePlus 11R में अराउंड 6-6.5 घंटे 7 घंटे का SOT देखने को मिल रहा था जब ये फोन नया नया लॉन्च हुआ था, जब मैंने नया नया इस फोन को परचेस किया था। उस पुराने रिजल्ट के साथ भी दोस्तों अगर आप OnePlus 12R का कंपैरिजन करें फिर भी दोस्तों OnePlus 12R में OnePlus ने बहुत ही अच्छा काम किया इन बैटरी डिपार्टमेंट, और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि फ्यूचर में भी OnePlus 12R में जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। आप में से बहुत लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज ऐसा ना करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।